हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। तो मैंने आपको सैमसंग M35 5G की वीडियो दी थी 22 जुलाई को, और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 अगस्त को। एक महीना हो चुका है इस वाले फोन को हमें टेस्ट करते हुए। ये इसका फुल रिव्यू है आफ्टर 30 डेज, आप कह सकते हो। कुछ दिनों मैंने इसको मेन सिम कार्ड डाल के भी यूज करके देखा, और बाकी हमने इसका बैटरी टेस्ट किया। तो सारी डिटेल आपको आज के वीडियो में पता चल जाएगी इस फोन के बारे में। मैंने इसका कंपैरिजन भी करा था OnePlus के Note C4 Lite से, वो मैंने डाला नहीं, लेकिन सारी बात है कैसा ये फोन है 20,000 के अंदर। सैमसंग की तरफ से अगर आप कोई फोन देखना चाह रहे हो तो क्या आपको ये वाला फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे देखो यार इस फोन के प्राइसिंग से ही। तो फोन वैसे तो देखो 20,000 के आसपास लॉन्च हुआ है, लेकिन 1,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट सभी को मिल रहा है इजीली, तो 19,000 हो गया। 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी अवेलेबल है अगर आप कार्ड का अरेंजमेंट कर सकते हो, तो 17,000 रुपए का फोन आपको ये पड़ेगा। अब देखो 17,000 रुपए पे सैमसंग ने काफी अच्छी वैल्यू ऑफर करने की कोशिश यहाँ पे करी है। जैसे देखो स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मैंने अपनी डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो चेकआउट कर लेना डिटेल के लिए। लेकिन मैं आ रहा हूँ मुद्दे के ऊपर सारा, ठीक है। तो बॉक्स में कोई केस आपको नहीं मिलेगा, कोई स्क्रीन गार्ड सैमसंग ने लगा के नहीं दिया है, इवन की बॉक्स में चार्जर भी नहीं आता है। और ये एक सब 20K का स्मार्टफोन है, और इस वाले प्राइस रेंज में चार्जर मिलना चाहिए। आप ये फोन ले रहे हो तो 1,000 रुपए के आसपास चार्जर की कॉस्ट को भी ऐड कर लेना, नहीं तो अगर आपके घर पे टाइप सी का चार्जर तो होगा ही, उससे चार्ज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखो पॉलीकार्बोनेट पैक के साथ में आता है, पीछे कुछ ना लाइटिंग वाइटिंग पड़ती है तो अच्छा सा डिजाइन दिखता है छोटे छोटे बॉक्सेस से। और साइड का जो फ्रेम है वो पूरा फ्लैट है, प्लास्टिक बिल्ड है। पीछे का भी जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक है, सिग्नेचर गैलेक्सी डिजाइन को फॉलो करता है। इनके महंगे फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी यही वाला डिजाइन देखने के लिए मिलता है। मेरे पास ये फोल्ड 6 है बाय द वे। अच्छा ठीक है, तो इतने दिनों के अंदर स्क्रैचेस वगैरह का क्या हाल है। फिंगरप्रिंट तो देखो इस पे बहुत सारे आ जाते हैं अगर आप लगाओगे तो, और नीचे की तरफ ना स्क्रैचेस वगैरह भी आ गए हैं राइट साइड में, इसको हमने रखा था तो, और टॉप राइट कॉर्नर पे भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। इसका केस खरीदना पड़ेगा आपको अलग से, और पॉलीकार्बोनेट फोन है तो केसेस लगाओगे ना तो डस्ट वस्ट जाता है, तो उसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे फ्रेम पे और बैक पैनल पे स्क्रैचेस ही स्क्रैचेस हो जाते हैं। कोई सा भी स्मार्टफोन आप यूज करो प्लास्टिक बिल्ड के साथ में। अब देखो बिल्ड क्वालिटी वैसे दिक्कत नहीं है फोन, लेकिन हाँ भारी फील होगा आपको, 222 ग्राम का है। एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे को हुई थी कि इसमें कोई आईपी रेटिंग नहीं है किसी भी तरह की, चाहे IP54 ही दे देता सैमसंग, क्योंकि इसका सिम स्लॉट आप लिखा लोगे ना तो कोई गैस्केट रबर प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी, तो पानी से इसको बहुत ज्यादा संभाल के रखना, ठीक है। बाकी फोन में इस प्राइस रेंज में भी कुछ ना कुछ रेटिंग मिल जाती है स्प्लैश रेजिस्टेंस वाली। बाकी हाँ हाइब्रिड डुअल सिम का सपोर्ट सैमसंग ने यहाँ पे प्रोवाइड करा है, तो आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहो तो एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा पाओगे, नहीं तो दो सिम तो आप लगा ही सकते हो बिना मेमोरी कार्ड। अब देखो तीन कलर में फोन अवेलेबल है। वेट थिकनेस की बात करें तो वेट थोड़ा सा ज्यादा आपको लगेगा, 222 ग्राम का फोन है, इवन 9.1 mm की थिकनेस पे भी आता है, तो इजीली ना आप ऐसे डे वन पे ही यूज टू नहीं हो जाओगे इस फोन से, आपको भारी लगेगा और चौड़ा भी फील होगा क्योंकि वाइडनेस इसकी थोड़ी ज्यादा है बाकी के सैमसंग फ्लैगशिप फोन की तरह। जैसे मिड रेंज फोन आते हैं ना पतले पतले, वैसे नहीं है। अब इसके पीछे एक रीजन भी है कि सैमसंग ने 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे दी थी, तो उस चीज में हमने यहाँ पर सैमसंग को माफ कर दिया। एक चीज सैमसंग ने बढ़िया करी थी इस फोन के साथ में, 6.6 inch की डिस्प्ले, फुल HD+ का रेजोल्यूशन है, 120Hz भी है, सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है, 1000 nits का हाई ब्राइटनेस मोड सैमसंग ने यहाँ पे दिया। लेकिन सैमसंग ने अपने लास्ट जनरेशन में ना पंच होल नहीं दिया था, एक नॉच देता था सैमसंग, तो चलो सैमसंग ने यहाँ पर फाइनली पंच होल तो देना शुरू करा। इस फोन के अंदर सिमेट्रिकल बेजल तो है लेकिन ज्यादा फील होते हैं वो, क्योंकि इस वाली प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे तो काफी कम बेजल वाले फोन अवेलेबल है, इवन के कर्व डिस्प्ले वाले फोन भी अवेलेबल है। देखो वाइड वेल L1 वगैरह है, नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट आपको नहीं मिलता, यूट्यूब में HDR का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब पे मेरी वीडियो प्लेबैक करी ना तो मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आया कि HDR में प्ले भी हो रही है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने ब्राइटनेस वगैरह भी कम करके दी ना तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ नहीं रही थी HDR में। पीक ब्राइटनेस क्या है वो भी सैमसंग ने नहीं बताया, सिर्फ 1000 nits की हाई ब्राइटनेस मोड ही बताया। और हाँ ये वाला जो फोन है वो 4K 60fps में वीडियो प्लेबैक नहीं कर सकता है। मैंने इसमें जब यूट्यूब पे HDR वीडियो चलाने की कोशिश करी तो मोस्टली वीडियोस ना 4K 60fps पे ही होती है HDR वाली, तो वो प्ले करते हुए ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है 480p पे, और उसके बाद सारे ऑप्शंस गायब हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से वीडियो क्लोज करके ओपन करना पड़ता है। 1080p HDR तक चला देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला फोन ना वैसे 4K 30fps तक मैक्स वीडियो प्लेबैक कर सकता है, वहां पे दिक्कत नहीं आती। जैसे नॉर्मल मेरी वीडियो हो गई 4K 30fps में मैं शूट करता हूं, 4K 30fps पे आपको लैग वगैरह कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा, ना ये स्विच करेगा नीचे। लोअर ब्राइटनेस अगर आप काफी कर लोगे ना नाइट टाइम के अंदर तो ये काफी फ्लिकर करता, तो आपकी आंखें ना जल्दी थक जाएंगी, तो आपको थोड़ा फटीक फील होगा आंखों के अंदर। जैसे थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस पे अगर आप यूज करोगे ना तब वो दिक्कत नहीं आती, ये शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो है ना धूप में काफी ज्यादा फोन को यूज करते हैं आउटडोर के अंदर, जैसे हमारे डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह हो गए ना, तो वो अपने फोन को बाइक पे माउंट करके रखते हैं और उस
कंडीशन के अंदर जब धूप वगैरह पड़ती है तो फोन की ब्राइटनेस कम हो जाती है। पहले से ही 1000 निट्स की एक तो हाई ब्राइटनेस मोड है तो वो कम दिखेगा डिस्प्ले के ऊपर, और जब फोन हीट हो जाएगा ना तो और भी कम दिखेगा, तो उस मामले में दिक्कत आ सकती है। जैसे बिना धूप के आप आउटडोर में चलाओगे ना तब दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो देखो वहां पर शिकायत नहीं है, पंची कलर्स हैं, ब्राइटनेस वगैरह भी सही लगती है इंडोर्स के अंदर, एंड कलर्स वगैरह भी ओवरऑल काफी अच्छे प्रोड्यूस कर लेता है। वैसे प्रोटेक्शन यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की दी है जो कि फ्लैगशिप्स में देखने के लिए मिलती है, लेकिन उसके चक्कर में स्क्रीन गार्ड लगा के नहीं दिया, तो स्क्रीन गार्ड जरूर से लगा लेना। प्रोटेक्शन कितनी भी अच्छी हो फोन जब गिरेगा ना भाई तो दिक्कत हो जाएगी, और स्क्रैचेस तो आते हैं भाई चाहे कोई सी भी प्रोटेक्शन हो। हमारे फोन पे मेरे को इतने दिनों में कोई स्क्रैचेस देखने के लिए नहीं मिले हैं मेजर। एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी सैमसंग ने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, फास्ट नहीं है इतना ज्यादा, थोड़ा सा स्लो ही फील होगा, अनलॉक हर बार हो जाता है लेकिन स्पीड के मामले में ज्यादा हो सकता था। अब आते हैं यहाँ पे स्पीकर्स के ऊपर, वहां पर शिकायत आपको नहीं है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर सैमसंग ने इस वाली रेंज के अंदर भी दिए हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बढ़िया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस हाँ हेडफोन जैक आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, और वो दे सकते थे, मतलब इस वाले प्राइस रेंज में कुछ फोन्स में हेडफोन जैक आता है। एक और चीज आपको बताता हूँ, अगर आपके पास TWS नहीं है तो इसका ना डोंगल आता है सैमसंग का, लेकिन ये हर डोंगल को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ सैमसंग का स्पेसिफिक डोंगल अगर आप लगाओगे ना तभी सपोर्ट करेगा, जैसे Xiaomi, OnePlus किसी का आप लगाने की कोशिश करोगे नहीं सपोर्ट करेगा। ये बात मैं ना काफी सारी सैमसंग के फोन्स के साथ में बता चुका हूं आपको रिव्यूज में, अगर आप ईयरफोन्स लगाने वाले हो वायर्ड तो वो चेक कर लेना, कोई सभी बाय मत करना। हैप्टिक्स की बात करें तो देखो कीबोर्ड वगैरह पे टाइप करोगे तो एकदम एवरेज सी हैप्टिक फीडबैक यहां पे फील होती है, स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन यहां पे नहीं यूज हुई है टकटक वाली। सैमसंग ने यूआई में भी हैप्टिक्स को इंप्लीमेंट नहीं किया है तो वो प्रीमियम फील नहीं आता है। प्रोसेसर के ऊपर आते हैं, देखो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फोन के अंदर, एक्सिनोस का 1380 सैमसंग ने दिया था, 5G वाला प्रोसेसर है, सेम प्रोसेसर सैमसंग ने अपने सैमसंग A54 में दिया था जो इनका A सीरीज का फोन था, 35-40 हजार रुपए के आसपास वो लॉन्च हुआ था। ये जो प्रोसेसर है 6 लाख के आसपास का एंटूडू निकाल के दे देता है, सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी इसके देख लो, थ्रॉटल वगैरह कर जाता है भाई, इनकंसिस्टेंट है उस मामले में, ज्यादा अगर आप पुश वगैरह करोगे तो थ्रॉटल होती है इसकी परफॉर्मेंस, इवन की गीगबेंच के रिजल्ट भी आप देख लो, UFS 2.2 स्टोरेज है, उसके रीड राइट के स्पीड के रिजल्ट भी आपके सामने है। आप देखो मेरे पास में इसका 8GB रैम 256GB वाला वेरियंट है जो की 24-25 हजार का आता है, और इस वाले प्राइस रेंज के अंदर आपको और बेटर स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, तो हायर वेरियंट तो बिल्कुल भी मत लेना। 6128GB अगर आप कंसिडर कर रहे हो ना तो वो वैल्यू फॉर मनी है, 17-18 हजार रुपए के आसपास, उसको आप देख सकते हो। अब आते हैं सबसे पहले डे टू डे लाइफ की परफॉर्मेंस के ऊपर, सबसे पहले एनिमेशन की बात करूंगा, जब ऐप ओपन वगैरह आप करोगे ना तो बहुत ज्यादा स्मूथ एनिमेशन आपको फील नहीं होंगे, थोड़ी सी चौपीनेस फील हो जाएगी, बहुत फास्ट ऐप ओपन क्लोज करोगे आप तो, और अगर रिसेंट ऐप में ऐसे बार बार स्विच करोगे तो भी आपको फील हो जाएगी चौपीनेस और थोड़े से स्टटर वगैरह, लेकिन आप नॉर्मली यूज करते हो इतना ज्यादा फास्ट फोन नहीं चलाते हो तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर हो जिसको एकदम फास्ट फोन चलाने की आदत है कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है तो उस मामले में आपको फील होगा, डे टू डे लाइफ में वैसे दिक्कत नहीं आएगी, ऐप वगैरह भी फास्ट तरीके से ओपन हो जाती है, और रैम मैनेजमेंट भी फोन का अच्छा है क्योंकि सैमसंग का है तो वहां पर दिक्कत नहीं आती। रैम प्लस वाला फीचर भी है जो कि 4GB के आसपास हमने सेट कर रखा था तो वो ऐसा कुछ काम नहीं करता ज्यादा। गेमिंग वगैरह भी ट्राई करके देखी थी, सेटिंग्स तो वैसे 60 FPS के आसपास इसमें अनलॉक है, BGMI वगैरह के अंदर भी हमने टेस्ट करके देखा तो ये फोन इजीली ना 15-20 मिनट के अंदर ही भाई 30-40 FPS पर ड्रॉप हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है गेमिंग के अंदर, अगर आप एकदम ऐसे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो, गेमिंग वगैरह करनी है, 1-2 घंटे फोन में गेम खेलते हो तो आपके लिए फोन बिल्कुल भी नहीं बना है। हाँ अगर आप कैजुअल यूजर हो, नॉर्मल सबवे सर्फर्स खेलते हो, कैंडी क्रश खेलते हो, या BGMI भी इनफैक्ट 5-10 मिनट 15 मिनट खेल लिया TDM मीडियम तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और डे टू डे लाइफ की परफॉर्मेंस में भी शिकायत नहीं है। हैवी यूजर्स के लिए वाला फोन नहीं बनाया गया और गेमर्स के लिए नहीं, इससे बेटर इस वाली प्राइस रेंज के अंदर आपको फोन्स मिल जाएंगे गेमिंग के लिए, जैसे कि IQ का Z9 हो गया, IQ का नया वाला फोन भी आ रहा है Z9S, इवन की OnePlus का Note C3 भी इस वाली प्राइस रेंज में मिल जाता है, वो भी इससे बेटर ही मिल जाएगा। 5G के बैंड्स देखो इसके अंदर काफी मिल जाते हैं, 12 के आसपास है, 4G प्लस भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था। 5G का ना इसमें ऑटो मोड है तो डायरेक्टली 5G सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, और वो स्विच वगैरह करता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया आप कहाँ पर हो, नीचे रहोगे तो आपका स्विच करता रहेगा, ऊपर ऐसे टॉप फ्लोर में रहोगे या फुल एरिया में रहोगे तो 5G यहाँ पर कंसिस्टेंट रहेगा, लेकिन अप डाउन वो करता रहेगा। वॉइस ओवर NR का सपोर्ट भी है, 4G LTE कैरियर एग्रीगेशन वो सब बढ़िया है, NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 के साथ में Wi-Fi 6 भी सैमसंग ने यहाँ पे दिया है, तो कनेक्टिविटी के मामले में बढ़िया है, कॉल क्वालिटी के मामले में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई, नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा है, कॉल ड्रॉप जैसी कोई दिक्कत नहीं आई, इवन की कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी सैमसंग ने यहाँ पे दिया, और चुपके से आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो क्योंकि नेटिव डायलर है, कोई अनाउंसमेंट वगैरह वो नहीं करता, तो नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, नेट की स्पीड वगैरह भी सही आ रही है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि काफी सारे एक्सिनोस वाले फोन्स के अंदर ना नेटवर्क से रिलेटेड दिक्कत मुझे देखने के लिए मिली है। अब आ जाते हैं हम इसके कैमरास के ऊपर, तो मेन कैमरा यहाँ पे 50 MP का दिया हुआ है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड भी सैमसंग ने इस वाली प्राइस पे दिया है, काफी सारे ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं अल्ट्रा वाइड लेंस, एक 2 MP का मैक्रो कैमरा है तो उसको तो रहने देते हैं, ज्यादा कुछ काम का नहीं है, एक 13 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। अब फोटोज की बात करते हैं, नॉर्मल फोटोज आपको दिखा रहा हूँ, डे लाइट में हमने फोटोज क्लिक करी नॉर्मल कैमरा से, इवन पोर्ट्रेट मोड वगैरह भी हमने चेक करके देखा, तो जो स्किन टोन्स है सैमसंग की जैसे कि बाकी सैमसंग के फोन्स में मेरे को अच्छी लगती है, इसमें भी अच्छी लगी, और ओवरऑल कलर्स हो गए, लाइट कंट्रोल हो गया, एक्सपोज
एक्सपोजर वगैरह हो गया, एचडीआर वगैरह की परफॉर्मेंस, वो सब सही है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह भी हमें सही देखने के लिए मिला है। इंडोर के अंदर भी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर भी फोटोज अच्छी आ जाती है। पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है इंडोर कंडीशन के अंदर, लेकिन ओवरऑल सही परफॉर्मेंस है। लो लाइट के अंदर जब हमने चेक करा तो फोटोज अच्छी निकल के आ जाती है। कुछ सिनेरियोस के अंदर जब ज्यादा एक्सट्रीम लो लाइट हो जाती है तो फोटोज में थोड़ी सी डिटेल कम हो जाती है और ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल कैमरे की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सॉलिड है इस वाली प्राइस रेंज के अंदर। सेल्फी कैमरे की भी बात करें इनफैक्ट तो वो भी काफी बढ़िया है, डिटेल वगैरह भी अच्छी आती है, कलर, स्किन टोन, एचडीआर वगैरह, लाइट कंट्रोल सब आपको अच्छा मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के शॉट्स भी अच्छे निकल के आ जाते हैं, बट हाँ लो लाइट के अंदर उसमें भी थोड़ी सी नॉइस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं वीडियोस की, तो स्टेबल वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो 4K पे आप। ये वाला वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30fps के ऊपर। पीछे से अभी सन पड़ रहा है, सामने की तरफ मैं आऊंगा, किस तरीके से लाइट बैलेंस कर रहा था वो आपने देख लिया। आप सामने से देख लो किस तरीके से लाइट को बैलेंस कर पा रहे हैं। ये वाला वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा किस तरीके की वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। और हाँ, ऑडियो वगैरह भी इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें आपको सैमसंग का क्विक स्विच भी मिल जाता है। मतलब 4K पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते आप फ्रंट फेसिंग कैमरा पे भी स्विच कर सकते हो, बैक कैमरा पे भी स्विच कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो। 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो फ्रंट बैक स्विच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही लेंसेज पे भी आप स्विच कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड हो गया, 2x वगैरह हो गया, तो ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं भाई, क्योंकि इस वाली प्राइस रेंज में और कोई फोन आपको नहीं देता है। तो ओवरऑल कैमराज में अच्छा है, वीडियोस में डिसेंट इनफ है, इससे बेटर तो वीडियो शायद से और कोई फोन में मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इस वाले प्राइस रेंज में वीडियो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इस वाले प्राइस रेंज में मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी है वीडियो परफॉर्मेंस। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो OnePlus 6.1 सैमसंग ने यहाँ पे दिया है। फुल वर्जन है, कोई कोर वर्जन नहीं है, लाइटर वर्जन नहीं है, एंड्रॉइड 14 के ऊपर ये वाला फोन चल रहा है। सैमसंग लौटा ब्रांड है इस वाली प्राइस रेंज के अंदर, जो कि आपको 4 मेजर एंड्रॉइड अपडेट दे रहा है और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। 14 पे चल रहा है तो भाई 15, 16, 17, 18 तक जाएगा, और भाई जब तक एंड्रॉइड 19 आएगा तब तक सिक्योरिटी पैचेस भी इस फोन में आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉमिस है, अगर आप लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहते हो कि सैमसंग का OneUI का एक्सपीरियंस आप ले पाओ, तो भाई इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा बजट के अंदर, क्योंकि जो सैमसंग फीचर्स देता है ना वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। जैसे कि एक तो NFC का सपोर्ट है, नॉक सिक्योरिटी भी सैमसंग ने इस वाली प्राइस रेंज में इस फोन में डाली है, सिक्योर फोल्डर भी मिलता है जिसमें आप अपनी फाइल्स वगैरह, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हाइड करके रख सकते हो, और बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है, कहीं लीक होने की टेंशन नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग मैंने बताया, एज पैनल हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, प्राइवेसी डैशबोर्ड वगैरह, नॉक सिक्योरिटी, सैमसंग वॉलेट, सैमसंग पे, वो सभी फीचर्स इस फोन के अंदर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज ही M सीरीज के अंदर आपको नहीं मिलती है, वो है गुड लॉक का सपोर्ट। उसको छोड़ दें तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गुड लॉक चलाने के लिए मिनिमम आपको ना A सीरीज का फोन चाहिए, और गुड लॉक क्या है ये अगर आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। हाईली कस्टमाइजेबल ऐप है, क्योंकि सैमसंग फोन के अंदर आप डाल के बहुत तगड़े तरीके से फोन को कस्टमाइज कर सकते हो। ब्लोट वेट्स वगैरह की बात करूं ना, तो काफी ज्यादा ब्लोट वेट्स हमें इसके अंदर देखने के लिए मिले थे। अनइंस्टॉल वाला है, अनइंस्टॉल आप कर सकते हो। सैमसंग नोटिफिकेशन वगैरह भेजता है तो वो आप ऑफ वगैरह कर लेना। कुछ विजेट वगैरह है जो कि भाई ऐड ही है, मूव होते रहते हैं और अलग अलग ऐप के ऐड दिखाता रहता है। डिस्कवर का पेज बाय डिफॉल्ट मेन्यू में ऐसे बना हुआ आता है, उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, जो कि आपको बहुत सारी एप्स की रिकमेंडेशन वगैरह दिखाता है। ऑफ करने के बाद एकदम क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं बैटरी और चार्जिंग के ऊपर, जहां पे सैमसंग भाई मॉन्स्टर है। 6000 mAh की इन्होंने बैटरी डाली है इस फोन में, 25W की चार्जिंग भी है। मैं सीधा बोलता हूँ 7 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम बहुत ही आसानी से दे देगा। मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, उसमें 9 घंटे वाला स्मार्टफोन चला था। अब बैटरी टेस्ट में 1-1.5 घंटा पता क्यों ऊपर चल जाता है, क्योंकि एक तो सिम कार्ड नहीं होता फोन में, और स्टैंड बाय टाइम इंक्लूडेड नहीं होता है। वो जो टाइम बचता है ना, वो एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम आपको मिल जाता है। तो जो भी मेरे बैटरी ड्रेन टेस्ट होते हैं उसमें 1-1.5 घंटा आप कम कर लोगे ना, उतना आपको एक्चुअल लाइफ में बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में सॉलिड फोन है, भारी है थोड़ा सा, बस वो ध्यान रखना है। और हाँ, 25W की चार्जिंग है, 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे ये ले लेगा, डिपेंडिंग कि आप कितने ठंडे मौसम में या कितने गर्म मौसम में इसको चार्ज कर रहे हो, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बैटरी बैकअप अच्छा है। सो हाँ गाइस, कुछ ऐसा है ये सैमसंग का M35। समराइज करके बताऊं तो देखो, 20,000 के अंदर ना आपको एक अच्छा ओवरऑल पैकेज मिल जाता है सैमसंग की तरफ से। अगर आप कोई फोन लेना चाहते हो तो आपके लिए स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटीज हैं गेमिंग परफॉर्मेंस तो आपके लिए दूसरे स्मार्टफोन्स हैं, नहीं तो कैमरास, बैटरी लाइफ, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले, ओवरऑल पैकेज है ये सैमसंग की तरफ से आने वाला। आप जरूर से इसको कंसीडर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल के दे रहा हूं, वहां से परचेस कर लेना, हमारी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, आपको तो डिस्काउंटेड प्राइस पे फोन मिलेगा। ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करो, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही जेन्युइन ऑनेस्ट वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।